हेलो डियर एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू बोधी सत्तो पी आई होप कि आप सबका सड़सठवीं बी पी प्री री एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मॉडरेट टू लो है मतलब आसान से थोड़ा सा मॉडरेट है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो uh, जो टफ़ कैटेगरी में आएंगे ओवरऑल यदि क्वेश्चन uh, की क्वालिटी देखी जाए पेपर की क्वालिटी देखी जाए तो ठीक ठाक पेपर था जिन्होंने पढ़ाई करा होगा ढंग से वो लोग जो है काफ़ी अच्छा से पेपर करके आए होंगे तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं और लास्ट में एनालिसिस भी करेंगे कि पहली नजर में इसका कट कितना जाना चाहिए ठीक है और इसकी जो इस, आ, मतलब आ, सटीकता है आंसर की जो मेरे द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है ये 95 प्लस है कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो बीपीएससी से वेरी करें बाकी काफ़ी ज़्यादा देख के और रिसर्च करके जो है आंसर की तैयार किया गया है तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना चलिए शुरू करते हैं किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागालैंड आपका मेघालय और मिजोरम इन तीनों में जो है पंचायत व्यवस्था नहीं है तो उपयुक्त जो इसका आंसर होगा वह ई होगा ठीक है अगला प्रश्न है दूसरा नंबर सी आ, जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है यह सी है ठीक है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है इस परिसीमन को किस वर्ष तक के लिए रोक दिया गया है 2026 तक के लिए ठीक है सर्वोच्च न्यायालय है एक संविधान का अंतिम विवेचक राइट सिविल न्यायालय संघीय न्यायालय मानवाधिकार का संरक्षक मोर देन वन होगा ठीक है यह ई वाला ऑप्शन होगा अगला प्रश्न है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य प्रत्येक पाँच वर्षों में क्या गठित करती है वित्त आयोग गठित करती है और अब चलते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न पे कि सामुदायिक विकास का क्या उद्देश्य था देखिए आपको पता होगा कि सामुदायिक विकास योजना जो है दो अक्टूबर 1952 को शुरू शुरू किया गया था समरस जीवन आर्थिक विकास बहुत सारी चीज़ें इसमें थी ठीक है इसमें पर्यावरण संरक्षण नहीं था और मानव पूंजी निर्माण भी नहीं था तो इसमें समरस जीवन और आर्थिक विकास जो है इसका दो मेरे अनुसार बी और सी दोनों होना चाहिए तो सही ऑप्शन जो है इसका ई होगा कभी भी ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादा संभावना होता है कि उसका आंसर जो है ई हो छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है काफ़ी मैकानिकल और एनालिटिकल प्रश्न है कि 2022 के भारत के सोलहवें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं है? तो आप बताओ जैसे देखिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को देखा जाए तो वो ये हो जाते हैं 233 सौ तैंतीस बारह मनोनीत हो जाते हैं और लोकसभा के पाँच सदस्य हो जाते हैं टोटल ये जो नंबर बनता है ये सात के बराबर बनता है सही ऑप्शन इसका डी होगा भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः उपचुनाव के लिए पात्र होता है कितनी भी बार कोई लिमिटेशन नहीं है आगे बढ़ते हैं लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं तीन सत्र होते हैं आप सभी को पता होगा शुरुआत होती है बजट सत्र मॉनसून और शीतकालीन सत्र ठीक है आ, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमेशा पूछा जाता है यह आप सबको पता होना चाहिए MC, uh, MC ये है देखिएगा ध्यान में यदि बीपीएससी जो है कभी कभी नामों के साथ भी खेलता है ठीक है तो अगर इसको यह गलत मानता है तो यह आंसर गलत होगा लेकिन सेतलवार्ड एमसी सेतलवार्ड सेतल थे दसवां नंबर प्रश्न है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता है अनुच्छेद एक बहत्तर आगे बढ़ते हैं कि वस्तु वर्गीकरणों और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था काफ़ी एनालिटिकल पूछा हुआ है एक दशमलव सात प्रतिशत था ठीक है जब भी आप आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो ना तो उसमें रिव्यू दिया होता है और कंपैरिजन देता है प्रजेंट सिनारियों का रिव्यू देता है और कंपैरिजन देता है पिछले में पिछले कितना वृद्धि हुई क्या क्या हुआ ठीक है तो इसी में दिया हुआ चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष दो हजार में भारत में गेहूँ का कुल उत्पादन कितना है बारह नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर होगा सी एक मिलियन टन देखिए मैंने जो करेंट अफेयर्स का टॉपिक मटेरियल uh, प्रोवाइड किया था मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चन वैसे भी काफ़ी आसान थे लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसी में से लड़ गए हैं मैं इस बात को लेकर काफ़ी खुश हूँ बहुत सारे टॉपिक मेरे द्वारा थ्रो किए गए थे कि लास्ट लास्ट में ये देख लेना तो काफ़ी ज़्यादा उससे लड़ा है ठीक है तो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचा होगा आई होप सो यदि उन्होंने पढ़ा होगा रिवाइज किया होगा तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम से के संबंध में कौन सा कथन सही है देखिए इसकी शुरुआत साल 2017 हज़ार सत्रह में के ये तो आ, आ, मतलब गलत ही है आ, बिहार में सड़क निर्माण विकास के लिए ये भी गलत है महाराष्ट्र राज्य के लिए ये भी गलत है यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गाँव के विकास के लिए है ठीक है दो हज़ार के बजट में इसका अनाउंस किया गया था चौदह नंबर क्वेश्चन काफ़ी एनालिटिकल बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण दो हज़ार के सार गलत कथन को चुनिए कह रहा है कि बिहार के तृतीय क्षेत्र में आठ दशमलव पाँच प्रतिशत की उच्चतम दर से वृद्धि हुई ठीक है ये ये सही है तृतीय क्षेत्र में आठ दशमलव पाँच परसेंट की वृद्धि हुई बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में दो दशमलव आठ प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई तो ये दो दशमलव आठ नहीं है ये दो दशमलव तीन है समझ रहे हो ना सी वाला क्वेश्चन है कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में दो दशमलव तीन फीसदी की वृद्धि हुई यह सही है और बिहार के द्वितीय क्षेत्र में चार दशमलव आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई यह भी सही है ठीक है तो इसका जो जो गलत है ऑप्शन वह ऑप्शन इसका जो है गलत कथन जो है यह बी होगा इसका सही ऑप्शन बी होगा ठीक है अगला प्रश्न है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों में सही क्रम कौन सा है तो सबसे अधिक पटना में है हमने देख लिया तो ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाते हैं अब बात आती है हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा बी और सी में कौन सा सही है तो मुंगेर में मैं बताना चाहूँगा मुंगेर में अट्ठाईस है और नालंदा में छब्बीस है तो नीचे नालंदा हो जाएगा उसके बाद मुंगेर और सबसे ऊपर पटना होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा सोलह नंबर प्रश्न कह रहा है वित्तीय वर्ष दो हजार के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जी का कितना परसेंट होने का अनुमान लगाया गया है माई डियर फ्रेंड तो ये है तीन दशमलव चार सात प्रतिशत देखिए मेरे द्वारा पूरी सावधानी बरती गई है हो सकता है इसके बावजूद एक दो क्वेश्चन में वेरिएशन हो तो आप उसको यदि आपको उस, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वह गलत है तो आ, फैक्ट चेक करो और इसके बावजूद भी यदि लग रहा है कि मेरे द्वारा बताया गया सही नहीं है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में करो आ, कमेंट करो और इसके साथ साथ आप अपना नंबर भी शेयर करना एग्जैक्ट आप कितना सही कर रहे हो मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए आंसर की से ताकि हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सकें कि कटआउट जो है कितना जाने वाला है ठीक है अब आते हैं सत्रह नंबर प्रश्न पे कि वह विकल्प चुनिए जिस जो बिहार के सात निश्चय भाग टू योजना का हिस्सा नहीं है देखिए मैं कई बार बताया था एक पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया था बिहार के सात निश्चय योजना भाग टू के लिए हर खेत में सिंचाई का पानी है सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है वैसे भी यदि कॉमन सेंस लगाओ अगर ना भी याद हो तब भी आप सही कर सकते हो वायु मार्ग तो एकदम से लग्जरियस हो गया तो, तो मतलब ये नहीं होगा जो बेसिक नीड्स हैं जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति सशक्त महिला सक्षम महिला ये सारी चीज़ें हैं तो सही ऑप्शन जो है इसका बी होगा अब अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य जिलों का सही क्रम है तो अठारह का मेरे अनुसार इसका सही आंसर जो है सी होगा देखिए शिवर्त का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम है ठीक है तो ऑटोमेटिक शिवर जो है इसमें लास्ट में होगा जबकि इन सारे ऑप्शन में शिवर बीच में दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक जो है यह तीनों ऑप्शन जो है गलत हो जाते हैं यदि सही होगा तो सी होगा ठीक है ध्यान में रखिएगा अन्यथा ई हो सकता है ध्यान में रखना नीचे कमेंट करके बताना इस का सही मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है एन के अड़सठवें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है तो मैं आपको बताना चाहूँगा 19 का जो सही ऑप्शन होगा इसमें कह रहा है ना कि भारत की इक्कीस दशमलव नौ फीसदी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी ये सही है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को सत्ताईस दशमलव दो रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से परिभाषित किया गया और शहरी क्षेत्रों के लिए ये लेकिन ये भारत में तैंतीस परसेंट तैंतीस परसेंट जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है ये वाला गलत है तो सही ऑप्शन बी होगा ठीक है कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है देखिए इसमें क्या होना चाहिए कि एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम और पाँच करोड़ का टर्न होना चाहिए ठीक है तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा आपका ये संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में एक करोड़ से अधिक निवेश नहीं ठीक है ध्यान में रखिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है देखिए कृषि सिंचाई योजना इसमें जल संचयन की भी बात करी जा रही है तो वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण यह सही है जो भी जल निकाय हैं उनका मरम्मत और नवीकरणीय यह भी सही है जल वृत्तों के पुनर्वर्णन में वृद्धि यह भी सही है कुओं का निर्माण में थोड़ा कंफ्यूजन है ज्यादातर मेरा प्रोडिक्शन है इसका कुओं का निर्माण ये जो है इसका गलत ऑप्शन है बाकी सब सही होना चाहिए ठीक है भंडारी समिति किसे संबंधित है देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन को चुनिए तो इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा ये एनपीएस को फेंड पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है इसके साथ साथ डी वाला ऑप्शन भी सही है क्योंकि इसमें भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसकी सेवानिवृत्ति लाभ योजना है भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा देता है पेंशन आय की नियमित यदि ऐसे करा जाए तो आय देखा जाए तब तो ये गलत है लेकिन नियमित पेंशन वगैरह देखा जाए तो ये सही है तो सी और डी दोनों सही होना चाहिए कंफ्यूजन है बीपीसी क्लियर करेगा मेरे हिसाब से सी डी दोनों अर्थात ई ऑप्शन होना चाहिए ठीक है चौबीस नंबर निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की, 2022 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है ध्यान में रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी एरर ओरिएंटेड है मैक्सिमम बच्चे इसे गलत कर दे, दे दिए होंगे मुझे पता है जिन्होंने ढंग से ध्यान से नहीं पढ़ा होगा केवल फैक्चुअल एनालिसिस किया होगा फैक्ट्स पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उत्पादकता संवर्धन निवेश उदयमान अवसर ऊर्जा संक्रांति जलवायु पर कार्यक्रम ये था विनिवेश नहीं था देखिए ये बी वाला ऑप्शन ही नहीं था तो बी ऑप्शन सही होगा पीएम गति शक्ति है समावेशी विकास भी है ठीक है निवेश और प्रोत्साहन था विनिवेश नहीं था ध्यान में रखिएगा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के टैक्स जीडीपी का अनुपात जो है यह कितना था काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैंने कई बार पूछा भी था जो टेलीग्राम पे हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था तो 25 का इसका डी होगा माय डियर फ्रेंड ठीक है मैं आपको बताना चाहूँगा आप सभी के लॉर्ड और आ, मतलब सभी के प्रशंसा जो हमारा सड़सठवीं बी पी प्रोग्राम चल रहा है मैक्सिमम लोग सौ सवा सौ बच्चों का जो है इसमें बैच बन चुका है यदि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर मेंस प्रोग्राम मात्र इक्कीस सौ रुपये में जो है पूरा मेंस का प्रिपरेशन है इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जी फर्स्ट पेपर जी एस पेपर के सारे पार्ट्स कवर करे जाएंगे ठीक है इसके साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी प्रत्येक टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे माय डियर फ्रेंड ठीक है तो इफ यू वांट टू अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सअप एन नाइन एट वन जीरो सिक्स थ्री डबल एट जीरो फाइव ठीक है आगे बढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नाम दिया तो निकोबार द्वीप का नाम जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वराज रखा था अंडमान का शहीद रखा था ठीक है फरवरी उन्नीस सौ बाईस में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना चौरी चौरा कहाँ हुई उत्तर प्रदेश बड़ी आसान आसान हिस्ट्री का प्रश्न पूछा था खुदिराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था मुजफ्फरपुर आजाद दस्ता जो है बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है हम आ गए उनतीस नंबर प्रश्न पर अब 1946 उन्नीस में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किनके पास था जगजीवन राम जी के पास था 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भग गए थे तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अक्टूबर में ये घटना हुई थी आ, 15 या 17 अक्टूबर को उन्नीस में तो उस समय ये जो ते, दशहरा का ही त्यौहार होना चाहिए मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन मेरे हिसाब से जो है दशहरा होगा यदि आप एग्जैक्ट आप पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ ठीक है दशहरा है, दिवाली में से एक होना चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से दशहरा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दिसंबर 1900 दिसंबर 1946 में बी ऑप्शन सही होगा सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं अब्दुल अबुल गफ्फार खां का इम्पोर्टेंट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई मैं इंपॉर्टेंट है कह रहा हूँ हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई ग्वालियर में हुई थी ठीक है ध्यान में रखना कई बार पूछता है अठारह 18 जून अठारह सौ को जो है मृत्यु लड़ती हुई शहीद हो गई थी कोटा की सराय में इनकी मृत्यु हुई थी ठीक है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन उनके ऊपर बम की तरह गिरा है सुरेंद्र बनर्जी ने कहा था सरदार उद्धम सिंह ने किसे मारा था काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं तो छत्तीस का जो आंसर होगा वह होगा माइकल ओ डायर आगे बढ़ते हैं सैंतीस नंबर पे आते हैं बार्दोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था आज बल्लभ भाई पटेल ने किया था इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था ए बी एलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस और स्टोपेट किड से रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था उन्नीस में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस क्षेत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था काफी इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा जा चुका है ए नाइनटीन लाहौर अधिवेशन इकतालीस का है अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को बारह दिन में मैंने इसे सॉल्व कर लिया मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ इकतालीस का होगा आपका बी तीस दिन बयालीस का होगा आपका ए पाँच दिन तैंतालीस का होगा आपका बी साठ और चालीस फिर चौवालीस का होगा सौ और पाँच सौ के बीच कितनी जो संख्याएं हैं चार पाँच छः से विभाज्य हैं इनका एल्सीम निकाल लीजिए और उसका मल्टीपल लिखते जाइए सौ और पाँच के बीच में पाँच के बीच में जो हो होगा उतना नंबर आएगा तो जो 44 ये जो चौवालीस का होगा ये ए होगा सात ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर 45 की बात करें तो 45 का इसका सही आंसर डी होगा 28 किलोग्राम अड़तालीस का जो सही आंसर होगा वह ए होगा 240 प्रति दर्जन एक मिनट एक मिनट एक मिनट माय डियर फ्रेंड 45 के बाद यहाँ पे 46 दिया हुआ है माफ कीजिएगा 46 का ए होगा 240 किलोग्राम प्रति दर्जन, दर्जन सैंतालीस का डी होगा बावन सेंटीमीटर अड़तालीस का ए होगा 12 सेकंड, ठीक है फिर आ जाते हैं उनचास पे हाँ सही है उनचास का सी होगा पूर्वाहन दस बजे ठीक है फिर आ जाते हैं पचास पे पचास का एक ए होगा पाँच बजकर ये इतना मिनट ध्यान में रखिएगा अब आ जाते हैं एकावन देखिए उत्कृष्ट धातुओं से संबंधित है क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और मैंने भी नोबल आ, मेटल के बारे में पढ़ाया था अपने प्री क्लासेज के लिए तो नोबल मेटल ऐसे होते हैं जो कर मतलब जिन पे आ, जंग वगैरह नहीं लगता है तो प्राकृतिक रूप से लेकिन शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते जैसे सोना जो है नोबल मेटल है लेकिन शुद्ध रूप से नहीं मिलता है यूरेनियम और सीसा जो है उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है तो ये ए और दो दोनों गलत है कौन सा सही है तो इनमें से कोई नहीं ई होगा निम्न कथनों पर विचार कीजिए शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वनांग बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है सही है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का कोटनांक घट जाता है तो बावन का आंसर जो है बी होगा ए और बी दोनों बायोगैस में मुख्य अयो जो है यूनो सी मिथेन होता है आगे बढ़ते हैं चौवन निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमत्कार चमत् चमकदार जो है लाल रंग दिखाई देता है तो वो अस्टैंसियम है युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या बोलते हैं लौण मृदोद्भिद ठीक है कवक पौधों में नहीं पाया जाता है तो कवक में क्या नहीं पाया जाता है तो कवक में आपको पर्णहरित नहीं पाया जाता है उसके बाद संतावन का परागण की सुपरिभाषा क्या है तो संतावन का इसका ऑप्शन हो जाएगा सी परागण क्या है परागण कर का पराकेशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है पौधे अपना पोषक तत्व तो मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं जैसे इसमें मुख्यतः दिया गया है इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का प्रश्न है जो मेनली पोषक तत्व तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये पौधे जो है मृदा से प्राप्त करते हैं ठीक है ध्यान में रखिएगा प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं इस चीज को ध्यान में रखना अगला है पाइन फॉर स्प्रूस ये सारी चीजें क्या है अन्नावृत वृद्धि अन्नावृत वीजी है माफ कीजिएगा ठीक है साठवाँ प्रश्न है निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है तो साठ का ये ए वाला भी सही है टिटनेस का बी सी जी आ, का टीका लगाया जाता है और आपको मलेरिया का क्लोरोक्वीन का टी, टीका लगाया जाता है तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सॉरी ई साठ का ई मोर देन वन लाल रक्त कणिका कड़का विहीन जंतु कौन सा है इकसठ का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है केंचुआ। कार्बोहाइड्रेट के प्रांत अंतिम रूप से क्या बनता है देखिए मोनोसेक्राइड बनता है मोनोसेक्राइड। तो माल्टोज मोनोसेक्राइड नहीं है ग्लिसरॉल नहीं है अमीनो अम्ल नहीं है तो इसका होगा ग्लूकोज यदि ग्लूकोज रहता फ्रैक्टोज रहता तो ये सारे ग्लैक्टोज रहता तो ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट के मोनोसाक्राइड अंतिम रूप से उत्पाद हैं तो इसका सही आंसर जो है ए होगा ध्यान में रखिएगा सही है एकदम अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन रिपीटेड प्रश्न है किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत करी थी आप सबको पता होगा एडवर्ड जेनर ने किया था वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है सेंट्री इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बोलते हैं ठीक है ध्यान में रखिएगा पैंसठ का ए. छियासठ प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से किस माध्यम में जो है न्यूनतम होती है आप सभी को पता होना चाहिए कांच काफी आसान है वायु जल और निर्वात दिया हुआ है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है तो गति जो है इसमें सदिश राशि नहीं है यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है वह घट जाएगा तो ये अड़सठ हो गया अब आते हैं सिक्सटी नाइन पे गति की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी थी गैलेलियो ने दिया था सिक्सटी नाइन का सी सेवेंटी का किस नियम के अनुसार समताप दाप पर सभी गैसों के अनिश्चित आयतन में अणुओं का जो संख्या जो है वह समान होता है बी का नियम बोलते हैं इसको अपाके अपेक्षिकता या सापेक्षिकता कहिए दोनों एक ही शब्द है शब्दों से खेला है किसने दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण विभव में परिवर्तन होता है सिबिक इफेक्ट बोलते हैं इसे आवर्धन कौ, कौन से किस प्रकार का आवर्धन लेंस में जो है आवर्धन मतलब ये क्या दिया हुआ है माफ़ कीजिएगा इसका जो तिहत्तर का जो सही आंसर होगा माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्लर है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसमें उत्तर लेंस होगा चुंबकत्व का अनुचुंबकत्वीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है तो लोहा के द्वारा प्रदर्शित होता है और निकेल के द्वारा भी प्रदर्शित होता है शायद तो इसका जो है सही ऑप्शन ई होना चाहिए पचहत्तर परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं यूनो प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं जिस धातु क्रम क्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं प्रगलन बोलते हैं ठीक है, है? निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं मतलब पीतल में क्या क्या होता है तो जास्ता और तंबा अठहत्तर का निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं देखिए अब हुआ चूना में आ, जल मिला दो और अनबूझा चूना में से जल हटा दो सी ए कैल्सियम ऑक्साइड जंग लगे जो है कि लोहे के वजन में क्या होता है पहले यह बढ़ता है उस पहले यह बढ़ता है उसके बाद घटता है तो पहले बढ़ता है फिर घटता है अस्सी निम्न में से किसे श्वेत धातु भी बोलते हैं तो ये प्लैटिनम को बोलते हैं प्राकृतिक रूप से ही यह श्वेत अवस्था में पाया जाता है अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी करी थी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन सांख्यिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा खबरों में नजर आने वाली एलाविन और श्रेया अग्रवाल रमिता क्या खेलती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा जा चुका है निशानेबाजी अभी जो 2022 के जो भी एग्जाम हुए हैं ना बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी ने कई बार पूछा है हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है स्मृति ईरानी को ठीक है भारत के पंद्रहवें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूपीए के वो सदस्य उम्मीदवार कौन थे इनके तरफ से यशवंत सिन्हा अपने उपन्यास ये टूम ऑफ सेंड नहीं ये डूम ऑफ सेंड होना चाहिए हिंदी वालों के साथ हमेशा ही मतलब सौतेला व्यवहार किया जाता है रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया गीतांजलि श्री को दिया गया ठीक है हम पहुँच गए एटी पे और छियालवाँ है कि बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फालके भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया दीप श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया ठीक है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण दो हज़ार के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है पंद्रह दशमलव तीन फीसदी बिहार खादी के ग्रांड ब्रांड एम्बेसडर हैं मनोज तिवारी सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कहाँ बनाई जा जा रही है मधु यानी सीतामढ़ी में बनाई जा रही है एटी का आपका डी हो जाएगा ठीक है फिर 90 बिहार के राज्यपाल कौन हैं आपको पता होना फागू चौहान जी हैं मुख्य न्यायाधीश संजय करोल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्य चुनाव अधिकारी तो ए का हो जाएगा चार बी का तीन ए का चार बी का तीन सी का वन और डी का टू ए वाला ऑप्शन सही है बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे था बहुत सारे अपराधों से रिलेटेड था इसके साथ साथ उसमें शराबबंदी भी इंक्लूड थी सही ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार के रितिक आनंद ने ब्राज़ील ओलंपिक ब्राज़ील चोब, में आयोजित चौबीस में सर डे बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था काफ़ी चर्चा में रहे थे हाल ही में बिहार के किस स्थान पे उत्तर भारत का प्रथम वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन कई बार मैंने बता चुक बताया है अपने बच्चों को पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय भी बताया था भागलपुर में निम्न में से किस बिहार किसने जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत करी थी आ, की गई है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के द्वारा सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से काफ़ी आसान आसान से, से प्रश्न पूछे गए हैं जुलाई 2022 में किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है सबको पता है जापान है संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया गया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया तो हिंदी का किया गया यूक्रेन और रूस में सैन्य अभियानों की चर्चा के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता अब्दुल्ला राशिद शाहिद ने करी थी ठीक है भारत फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित क्षेत्र से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था हाल ही में चीन ने शंकित वन्यजीव जीव अभ्यारण्य से संग वन्यजीव अभ्यारण्य को मतलब कुछ हिस्सों को लेकर कहा है कि यह मेरा हिस्सा है तो ये कहाँ से संबंधित है ये भूटान से संबंधित है दो में जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में करी जाएगी इंडिया के द्वारा ठीक है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कीजिए विचार कीजिए देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं देखिए मैं आपको बता दूं ये जो केवल शब्द है ना ये बहुत रेडिकल होता है तो नॉर्मल किसी भी ऑप्शन में होता है तो वो ऑप्शन गलत ही होता है तो इसमें जो है शांति स्थापना अभियान जो है केवल संयुक्त राष्ट्र परिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा पारित कर लिया गया था तो ऐसा नहीं है केवल ये तो मेरे अनुसार सही नहीं होना चाहिए लेकिन ये सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योजना करता है तो सही ऑप्शन इसका ए होगा केवल तीन हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया मैंने कई बार बताया है बच्चों को इज़राइल आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने पहला आर्कटिका एम लॉन्च किया है रशिया ने किया है ठीक है आर्कटिका एम टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में तीन हजार रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे विराट कोहली बने हैं ठीक है कोविड नाइन्टीन टीकाकरण को पुनेता, की पुनेता को सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक अभियान टू पॉइंट शुरू किया गया है तीस जून दो हजार बाईस के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है एक शिंदे ठीक है पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है उत्तराखंड है ठीक है राज्यपालों के निम्नलिखित तो जोड़ों में कौन से सही हैं तो इसका 110 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ये राजस्थान के कलराज मिश्र हैं उत्तर प्रदेश के नंदी पटेल बाकी ये दोनों मिलान गलत है तो ए और दो सही ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा हम पहुंच गए 110 पे आगे बढ़ते हैं किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था नेपियर ने किया था तो एक सौ ग्यारह का आपका हो जाएगा ए भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ हुई थी आरंभ हुआ था अठारह सौ बहत्तर में रेगुलर हुआ था आ, आप नीचे कमेंट करके बताओ मैंने बता दिया है कई बार सुखदेव भारत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी तेईस मार्च उन्नीस को दिया गया था ठीक है एक हो गया एक पे चलते हैं महात्मा गांधी द्वारा 1940 के प्रारंभ में किए गए सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे ब्रह्मदत्त थे पहले विनोबा भावे दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुपिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था उषा मेहता ने किया था मगर शासक बिंबिशार का चिकित्सक कौन था जीवक बिहार में तुर्क सेना का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ध्यान में रखिएगा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात पूछ रहा है ये नहीं पूछ रहा है कि आज़ाद भारत में बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है ध्यान में रखिएगा बहुत सारे लोग हाँ ठीक है सही है ऑप्शन यही होगा संथाल विद्रोह कौन सा के नेता कौन कौन से हैं सिद्धू और कानू बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था तो देखिए, आई एम लिटिल विल कन्फ्यूज अबाउट दिस यदि आपको पता है एग्जैक्ट तो नीचे कमेंट करके बताओ ठीक है अब बात आ जाती है 121 की किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था 1912 में एक सौ बाईस नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था राजगिरी सबको पता है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या करके इसने राजगद्दी प्राप्त की थी वर्धन राजवंश की स्थापना किसने करा था तो एक सौ चौबीस का जो सही आंसर होगा वो सी होगा पुष्पभूति रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे कुषाणों ने मुस्लिम शासक किस जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग था या इसका जो सही ऑप्शन होगा ये मुझे एग्जैक्ट मतलब मैं नहीं बता सकता तो ये ये दूसरा हो गया जो जो मैंने छोड़ा यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ 126 127 पे आते हैं निम्न में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था तो देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला बात है मुबारक खिलजी जो था इसने खुद को खलीफा का ओहदा दिया था तो मुबारक खिलजी इसमें है नहीं मेरे अनुसार ई होना चाहिए आप बताओ ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग एक दो क्वेश्चन है जो मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं जानता था इसलिए मैंने नहीं बताया आपको एक सौ अट्ठाइस तुगरिल खान किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है बलबन ने इसको बंगाल का नियुक्त किया था वहाँ का देखरेख करने के लिए और इसी के शासनकाल में इसने विद्रोह भी कर दिया था सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था औरंगजेब ने किया था निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बैंटिक ने प्रारंभ किए सत्य प्रथा उन्मूलन और देखिए ठागों के संगठित विद्रोह एक और इसमें चार होना चाहिए एक और आम, मतलब ठगी का अंत इन्होंने ही किया था तो एक और चार ऑप्शन में तो है नहीं दाश प्रथा का स्लीमैन ने किया था ठीक है तो एक और चार है नहीं मेरे अनुसार से इसका ऑप्शन ई होगा ठीक है क्योंकि दाश प्रथा का अंत जो है ये कैप्टन स्लीमैन ने किया था तो ये सही नहीं होगा तो एक दो चार ही नहीं होगा एक और चार रहता तो सही रहता लेकिन दिया नहीं है तो ऑप्शन ई होगा एक सौ इकतीस की बात करते हैं अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर है नेपानगर में है भारत का प्रथम कोयला खान कहाँ पे खोदा गया रानीगंज में खोदा गया था ठीक है यह सत्रह सौ चौहत्तर ईस्वी में प्रथम बार खोदा गया था भारत की जनगणना दो हजार ग्यारह के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है यह भील है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल चौरानवे हजार एक सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर के बराबर है माय डियर फ्रेंड बिहार का शो किस नदी को बोला जाता है कोसी नदी को अलग से मैंने पूरा इसमें वीडियो बनाया था बिहार का शो कोसी से जो बाढ़ आता है कितना जानमाल माल हाँ की हानि होती है जीडीपी को कितना नुकसान होता है बिहार के बिहार के किस जिले में तिल्लाड़कुंड जलप्रपात जो है अवस्थित है कैमूर में अब आ जाते हैं एक पे एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा वाली ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है तो ये कन्वर झील है ठीक है एक की बात करें बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है जमुई में बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर बिहार की जनगणना दो हज़ार के अनुसार महिला मतलब साक्षरता कितना है साढ़े इक्यावन फीसदी के बराबर है अब आ जाते हैं 141 नंबर प्रश्न पे मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सूर्य पृथ्वी की आंतरिक परत नीचे नीफे किन तत्वों की प्रचुरता है नीफे में निकल और फेरम की प्रचुरता है ठीक है भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इसमें से कितने की थी कोबर ने भी किया था पेंक ने भी किया था सॉरी कोबर ने नहीं किया था माफ कीजिएगा डेविस और पैंक दोनों ने किया था डब्ल्यू एम डेविस दिया हुआ है तो केवल एक होगा ये आ, गरजने वाला चालीसा क्रुद्ध पचासा चिकने वाला साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में पाई जाती है होती हैं तो ये दक्षिणी गोलार्ज में होती है ठीक है सार्गैसो सागर हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या बोलते हैं मैकमोहन लाइन बोलते हैं ठीक है सैंतालीस आ जाते जा 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 हैं राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है देखिए राजस्थान में जो मानसून हवाएं जाती है ना तो उसको रोकने के लिए ऊपर उठाने के लिए ताकि बारिश हो ऐसा कुछ पहाड़ी वो है नहीं ज़्यादा तो वहाँ पर बारिश जो है कम होती है ठीक है सैंतालीस की बात करें और अड़तालीस पे आ जाते हैं बाघ परियोजना उन्नीस में चालू करी गई थी 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पे मनाया गया जिसका विषय वस्तु सभी जी जीव जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण ये सही है बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है सब सही है एक दो तीन सब होगा बी करेवा किस प्रकार की मिट्टी है देखिए आप सबको पता होगा मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि मतलब जम्मू कश्मीर में पाई जाती है केसर का जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पचास नंबर क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है केरल काफ़ी आसान आसान से प्रश्न थे एक दो फैक्चुअल प्रश्न थे दो तीन जो मेरे द्वारा छोड़े गए हैं यदि आपको उसका सही एग्जैक्ट आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ और हाँ नीचे आप अपना स्कोर जरूर शेयर करना ताकि हम प्रोडिक्शन का एग्जैक्ट अनुमान लगा सकें लेकिन मेरे अनुसार जो अभी पॉस्ट नज़र में मैंने देखा सब मिला के यदि आपका कार्ड छाट के यदि आप जनरल से हो 105 नंबर जो है 105 और उससे प्लस सही हो रहा है तो आप 100 परसेंट स्योर मानो ठीक है और जो भी कैटेगरी वाले हैं इसमें से एक दो नंबर घटा के अपना अनुमान लगा सकते हैं ठीक है और इसके बाद आप मेंस की तैयारी में आपका कितना भी हो है यदि 100 प्लस या मतलब 100 प्लस है जनरल वालों को मैं कह रहा हूँ 100 के आसपास निन्यानवे 100 101 102 या मोर देन दैट और उससे कैटेगरी वाले उसमें से एक दो घटा लें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यू शुड प्रिपेयर फॉर मेन्स एग्जामिनेशन क्योंकि देखिए यदि आपका सड़सठवीं में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कोई बात नहीं है फाइनली आपको बीपीएससी क्रैक करना है इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस तो देन यू शुड फोकस ऑन मेंस प्रिपरेशन क्योंकि सड़सठवीं के बाद अड़सठवीं जो है अब मुनाल पे खड़ा हुआ है इसका मेंस में भी अब ज़्यादा साढ़े महीने का समय है प्री जो है जनवरी में कंडक्ट हो जाएगा तो माई मतलब बेस्ट सजेशन फॉर यू दैट यू शुड मेन कंसनट्रेट ऑन फॉर प्रिपेयरिंग बी पी एस सी मेन्स एग्जामेशन इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिक्सटी सेवंथ और सिक्सटी एट ठीक है और यदि आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो तो नाइन एट वन जीरो सिक्स थ्री डबल एट जीरो फाइव पे कॉल कीजिए और आ, इस प्रोग्राम से जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और क्वालिटी दोनों मेंटेन कर सकते हैं माई डियर फ्रेंड प्री में बहुत मतलब मैं सेलेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड कराया था बच्चों को इसमें से काफ़ी क्वेश्चन लड़े हैं सब लोग काफ़ी हैप्पी हैं आई होप कि आपका भी पेपर अच्छा गया होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर व्यक्त करना हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए साइनिंग ऑफ टेक केयर जय हिंद जय भारत